नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने 12 टेस्ट मैच खेले हैं और आज हम जानेंगे कंपैरिजन जसप्रीत बुमराह, जहीर खान और इरफान पठान के बीच में कि आखिरकार इनमें से कौन सा वो गेंदबाज है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है 12 टेस्ट मैच खेलने के बाद। तो आइए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी इन तीनों ही खिलाड़ी को सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। तो चलिए अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात दी है और वहीं इस सीरीज में टीम इंडिया के धुरंधर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट भी लिए और वहीं इस दौरान दूसरे टेस्ट में उन्होंने हैट्रिक भी ली, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो वहीं हम आपको बताएं कि वो इरफान पठान और हरभजन सिंह के बाद हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं और उनके करियर प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भारतीय क्रिकेट के महान तेज गेंदबाजों में भी ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है। तो ऐसे में कई दिग्गजों ने तो उन्हें विश्व क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल कर दिया है। और आइए जानते हैं कि आखिरकार बुमराह, जहीर खान और इरफान पठान के शुरुआती 12 मैचों के बाद कौन सा वो खिलाड़ी है जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे कि बुमराह ने अब तक 12 टेस्ट मैचों में 62 विकेट लिए हैं और उनका गेंदबाजी औसत 19.24 के लगभग रहा है और वहीं उनका जो इकोनॉमी रेट रहा है वो 2.64 रहा है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने 107 मेडन ओवर डाले हैं और 5 बार उन्होंने 5 विकेट झटके हैं एक ही मैच में। तो ऐसे में आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 मैच में जसप्रीत बुमराह ने 62 विकेट लिए। और वहीं अगर आगे बढ़ते हम बात करें इरफान पठान के 12 मैचों के आंकड़ों के बारे में, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के सामने तस्वीर में विस्तार से देख सकते हैं कि 12 मैच में इरफान पठान ने 44 विकेट लिए और वहीं उनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा वो 96/11 का रहा और उन्होंने 5 विकेट 2 बार लिए मात्र और उनका गेंदबाजी औसत जो था वो 28.03 का था और इकोनॉमी जो थी उनकी 2.93 की रही है। तो ऐसे में इरफान पठान का भी आप डेटा देख सकते हैं, उन्होंने 12 मैचों में 44 विकेट लिए। तो वहीं अगर अंत में हम बात करें जहीर खान के बारे में, तो जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि जहीर खान ने 12 मैचों में 30 विकेट लिए और उनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा वो 138 रन देकर 7 विकेट का रहा और उन्होंने 5 विकेट मात्र 1 बार ही लिए और उनका जो इकोनॉमी था वो 3.77 का था और गेंदबाजी औसत 41.45 का रहा। हालांकि 14 साल के करियर के दौरान उन्होंने 92 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 311 विकेट लिए और जिसमें से उनका औसत 32.94 का रहा था। तो ऐसे में अगर हम तीनों ही खिलाड़ी को कंपैरिजन करें तो जैसे कि आप सभी ने देखा तो उसके अकॉर्डिंग तो जसप्रीत बुमराह ही है जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं 12 मैचों में 62 विकेट लेने के साथ, बाकी इरफान पठान ने 44 लिए थे और जहीर खान ने 30। तो ऐसे में इकोनॉमी रेट जो था वो जसप्रीत बुमराह का अच्छा है और गेंदबाजी औसत भी जसप्रीत बुमराह का ही बेस्ट है। तो ऐसे में आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि इन तीनों ही गेंदबाजों में से कौन सा गेंदबाज सबसे खतरनाक है। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।